हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हामिद रेजा, आज आपके लेके आया नया क्लास, जो क्लास सीखने को मिलेगा एमएस पेंट। आज आप लोग देखने वाले हैं एमएस पेंट से घर ही कैसे बनता है, वो आज आप लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरा क्लास में शुरू से आखिर तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज आप देखने वाले हैं एक घड़ी कैसे बनता है, उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले खोलेंगे एमएस पेंट को, तो जाएंगे सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और पेन में जाके क्लिक कर देंगे, मेरा एमएस पेंट खुल जाएगा। घड़ी बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, एक लेते हैं रेक्टेंगल, इसका साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साइज में जाके अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, खाली जगह पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल को, यहाँ से अच्छा से बैठाएंगे, बैठाने के बाद इसको खींच के अपने से बड़ा कर देंगे, खाली जगह पे क्लिक कर देंगे। एक लेते हैं राउंड, अपने हिसाब से बनाना है, देख लेना है ऊपर नीचे किधर क्या है नहीं है। इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, क्लिक करेंगे, कलर खुद से भी बना सकते हैं। ओके कर देंगे, इसमें कलर वो वाला फिल कर देते हैं, तो फिल में जाके कलर अपने हिसाब से ले लेते हैं। इसमें भी कलर फिल करना है, इसमें फिल कर देते हैं येलो, इसमें वाइट रहने देते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम करना है, उसके लिए क्या करेंगे, मैग्नीफायर का यूज़ कर लेंगे, क्लिक करेंगे, एक बार इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद सर्कल लेंगे। बेहतर है कि ग्रिड लाइन को ऑन कर लेते हैं ताकि इसका मेडल पता चले, जैसे यहाँ इसका मेडल होगा। ग्रिड लाइन का यही फायदा है कि मेडल कहाँ होगा वो पता चल जाएगा अपने से। इसको खाली जगह पे क्लिक कर देंगे, होम पे जाएंगे, तो घंटा घंटा बना देंगे, पहले घंटा बना देते हैं। खाली जगह पे क्लिक कर देंगे, इसको बनाते हैं मिनट काटा, सॉरी इसको बनाते हैं सेकंड काटा। जैसे इसमें मुझे कलर फिल करना है, उसके लिए क्या करेंगे, कलर चूज़ करेंगे, रेड कलर ले लेते हैं, फिल विथ कलर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कलर फिल कर पाएंगे, क्लिक कर देंगे, ये कलर फिल इसमें हो जाएगा, क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं, ये कलर फिल हो जाएगा। अगर वो वहाँ अगर नहीं चाहते हैं क्लिक करना, तो आप सर्कल से भी बना सकते हैं। आप इसको पूरा ब्लैक रखना है अगर, तो ब्लैक कलर ले लेंगे और कलर टू पर भी ब्लैक कलर ले लेंगे और यहाँ जाके सॉलिड रख देंगे ताकि वो पूरा ढक जाएगा, तो खाली जगह भी क्लिक कर देंगे, वो पूरा ब्लैक हो गया। अब इसको छोटा करना है, तो फिर मैग्नीफायर का यूज़ करके राइट क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। अब ये ग्रिड लाइन को मुझे हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन में क्लिक कर लेंगे। अब मुझे इसमें टाइम देना है, टाइम देने के लिए क्या करेंगे, इस ए में जाके क्लिक कर लेंगे और खाली जगह पे आके लिखते हैं, इसे मुझे चाहिए 12, ये टाइम है अपने हिसाब से दे सकते हैं, 6, 3, स्पीड में डबल क्लिक करने से ये लिखने का ऑप्शन दे देगा, उसके बाद 9। इतना देने के बाद अब मुझे इस 12 को सेलेक्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और इस 12 को सेलेक्ट करके ऐसे के लेके जाएंगे, अगर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे वाइट आ रहा है, तो कलर टू पे क्या करना है, यहाँ वाइट रखना है और फिर भी ये वाइट ही है, उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाके नीचे में एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन, इसमें क्लिक कर देने से मेरा ये वाइट ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको कीबोर्ड के मदद से, जैसे 4 एरो किए उसके हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको दूसरे लेके जाते हैं 6 को, 6 को 6 के जगह पे रख देंगे, बाकी एरो किसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो हम थोड़ा स्पीड में कर देते हैं। उसके बाद 3 को आप अपने हिसाब से पूरा को लगा दीजिएगा,
एक दो तीन चार करके, ये मेरा एक घड़ी बन के तैयार है। एक दूसरा मॉडल दिखाते हैं कैसे बनता है, हम चाहते हैं एक दूसरा घड़ी और बना के दिखाएं आपको। इसके लिए क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, इसको दबा के बड़ा कर देते हैं, खाली जगह पे क्लिक कर देंगे और एक सर्कल लेते हैं, इसको भी अच्छा से सेट कर देते हैं, थोड़ा तो सा लंबा भी कर देते हैं, इसको खाली जगह पे क्लिक कर देंगे। इसमें कलर फिल करना है तो रेड लेते हैं, कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से आप। अब इसमें कलर फिल करना है नीचे अंदर में भी, तो कलर यहाँ से डाल सकते हैं। डालने के बाद इसमें टाइम वगैरह लगाना है, इसके लिए ग्रे लाइन ऑन कर लेते हैं ताकि सेंटर में इसका मिल जाए। वाइट हो रहा है तो वाइट नहीं देना है मुझे, रेड ब्लैक देना है। और यहाँ पे मेरा फिल भी किया हुआ है तो नो फिल कर देते हैं। उसके लेते हैं घंटा घटा भी लेते हैं, इसको ऊपर सेट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड भी बना देते हैं, अब टाइमिंग चाहते हैं अगर आप तो रोमन में देना चाहे तो रोमन में भी दे सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 12। तो क्या करेंगे, एक्स कैपिटल डबल आई ऐसे भी दे सकते हैं आप, या एक्स डबल आई ऐसे भी दे सकते हैं, तो जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दीजिएगा। खाली पे क्लिक कर देंगे, आप डायरेक्ट बाहर से भी लिख के ला सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं। क्या देना है, सिक्स देना है तो वी आई सिक्स, उसको यहाँ पे देना है थ्री, तो सब्सक्राइब करना है तो यहाँ से कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे करना है नाइन, तो नाइन करने क्या करें, लिया हुआ है मेरा तो आई एक्स, ये मेरा घड़ी बन के तैयार है। अब अपने हिसाब से आप बाकी इसमें कलर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ग्रे लाइन को ऑफ कर लेते हैं, इस घड़ी को हम इस तरफ लगा देते हैं। लगाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इसको खिसका सकते हैं। मुझे दोनों घड़ी को लगाना है थंबनेल पे, इसलिए सेलेक्ट करके लगा दिए। तो आज आपने देखा एक घड़ी कैसे बनता है। आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं अब तक। अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रोज़ आपके लिए क्लास लेके आता हूं। आप में से कोई अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं मेरा सेंटर में आकर तो वो आ सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको सीखने को मिलेगा। आपको मेरे यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स करने को भी मिलेगा और डिप्लोमा कोर्स करने को भी मिलेगा। आप आए मेरा क्लास से जुड़े और कुछ ना कुछ सीखें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।